भारत में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हर रोज हजारों मरीज अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या ऐसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, यानी कि वो मरीज जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनके कारण कोरोना जो है वो देश में फैल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर एक परेशानी ये भी बनी हुई थी कि जितने भी कुल मरीजों की संख्या है उसमें आधे के करीब जो मरीज हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उनमें लक्षण नहीं है। दूसरे तरीके से समझें तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। खैर, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो कोरोना के मरीज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। पहले होते हैं सिम्प्टोमेटिक, यानी कि वो जिनमें लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। फिर एक होते हैं प्री सिम्प्टोमेटिक, यानी कि ऐसे मरीज जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना है और कुछ दिन के बाद, यानी एक दो दिन के बाद, उनके लक्षण दिखने लगते हैं। फिर तीसरे आते हैं एसिम्प्टोमेटिक मरीज, यानी कि ऐसे मरीज जिनमें सिम्टम नजर ही नहीं आते। सिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक, ये दो ऐसे टाइप के मरीज हैं जिनकी पहचान आसानी से की जा सकती है, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक है उनकी पहचान करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे। सवाल, कैसे होती है इन एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की पहचान? फिर सवाल उठे कि कैसे दिखते हैं ये मरीज? और तीसरा सवाल ये उठा कि क्या इनसे ही तेजी से फैल रहा है कोरोना? सबसे अहम सवाल ये उठ रहा था कि क्या एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के कारण कोरोना तेजी से फैल रहा है, क्या एक दूसरे में तेजी से ये ट्रांसमिट हो रहा है? अब इस पर WHO की ओर से साफ तौर पर कहा गया है, सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है कि नहीं, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज होते हैं उनसे कोरोना के फैलने का जो खतरा है वो रेयर है, यानी कि बहुत ही कम है। इसका मतलब ये भी है कि जिनमें लक्षण दिखते हैं, यानी कि सिम्प्टोमेटिक मरीज, उनसे कोरोना दूसरों में तेजी से फैलता है अगर हम तुलना करें उन मरीजों से जिनमें लक्षण दिखते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से सिर्फ 6% कोरोना फैलने का खतरा होता है। चलिए, तीन तरह के मरीज हो गए ये हमने आपको बता दिया। एसिम्प्टोमेटिक को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो हमने साफ कर दिया। अब हम आपको ये बताते हैं कि कोरोना जो फैलने का खतरा है वो किस टाइप के मरीजों से सबसे ज्यादा हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक से कोरोना फैलने का जो खतरा है वो बहुत ही कम है। प्री सिम्प्टोमेटिक में लाइव वायरस होते हैं, लिहाजा फैलने का खतरा हाई होता है। सिम्प्टोमेटिक मरीज, यानी कि जिनमें वायरस पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, वहां पर ये रिस्क बहुत हाई होता है। जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं उनमें तेज बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ऐसी बड़ी समस्या बहुत कम देखी जाती है। हालांकि WHO की ओर से इस पर स्टडी अभी भी जारी है, लेकिन शुरुआती दौर में WHO की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं, यानी कि ऐसे मरीज जिनमें लक्षण कोरोना के नहीं दिखाई देते हैं, उनसे कोरोना के फैलने का जो खतरा है बहुत कम है। यानी कि जो सवाल उठते आ रहे थे उस पर एक तरह से WHO ने विराम लगा दिया है। कई तरह से इसे खतरे के तौर पे भी देखा जा रहा था, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज थे उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लिहाजा लोगों में डर भी फैला हुआ था कि क्या पता एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के कारण कोरोना दूसरों में फैल रहा हो और जो मरीज है, यानी कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, उन्हें खुद इस बारे में नहीं पता है। इस पर WHO ने साफ कर दिया है कि जो रिस्क है वो 6% है, वो रेयर है।